मंडी के बॉयज स्कूल में कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए केंद्र में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका चंचला देवी स्टाफ नर्स को लगाया गया। मंडी जिला में शनिवार को कोविड वैक्सीन के लिए बनाए गए 4 केंद्रों में 360 बेनिफिशियल को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान जिला उपायुक्त ने बॉयज स्कूल में बनाए गए केंद्र में तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया, प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रीय लॉन्च के साथ ही जिला में टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर पूरी कार्य योजना पहले ही बना ली गई थी। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पूरे भारत देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राइव शुरू हो रहा है। इसमें जिला मंडी में भी 4 स्थानों पर आज वैक्सीन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको दी जा रही है। कुल मिलाकर 360 लोग हैं जो आज के लिए शेड्यूल्ड है, जिनको की वैक्सीन का डोज, पहला डोज जो है उनको मिलना है। आज यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी में जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पर भी 100 बेनिफिशरीज़ जो जोनल हॉस्पिटल मंडी के हैं उनको चिन्हित किया है, जिनको कि यहाँ पर वैक्सीन लगनी है। पूरी तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो सेटअप है वो हमारा तैयार है। जो हमारे बेनिफिशरीज़ है वो भी सारे यहाँ पर आ चुके हैं, और एक एक करके जैसे सिस्टम में एक एक करके एंट्रीज होगी उस तरीके से सबकी वैक्सीनेशन की जाएगी। जिला में कुल मिलाकर जो फर्स्ट राउंड है, जिसमें कि जो सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इसकी सूची लगभग 12,000 की है। इन सारे लोगों का डेटा कोविन पोर्टल पे एंटर किया जा चुका है, और ये सारे लोगों को 111 जो सेंटर्स हैं पूरे ज़िले में उन पर मैप किया गया है। हर व्यक्ति को अपने ही सेंटर पर उसको वैक्सीनेशन का डोज मिलेगा, और इसके लिए डेट्स भी चिन्हित किए गए हैं। आज से शुरुआत है, आज 16 तारीख है, अगली डेट हमारी 18 की है, उसके बाद में 22 और 23 तारीख है, उसके बाद में 28 है, फिर 30 जनवरी है और 1 फरवरी। तो इतने समय तक हमें लग रहा है कि पहले चरण में जितने वैक्सीन हमारे पास आए हैं, कुल मिलाकर 7,200 वैक्सीन डोसेज जिला मंडी में आए हैं, उनमें से लगभग हम 6,500 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली इसमें उनको पहला डोज से टीकाकरण कर पाएंगे 1 फरवरी तक। उसके बाद में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होंगे, उसी तरीके से आगे मदवार जो है वो एक एक क्रमवार इसको, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ोतरी मिलेगी। और ऐसे करके पहले चरण में जो 12,000 के करीब हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको कवर करेंगे, और उसके पश्चात फिर जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनकी सूची अभी फाइनल होनी है, वो उसके आगे उनकी बारी आएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।